भाइयों, अगर आप भी शास्त्रीपुरम जैसी प्राइम लोकेशन पर अपना इंडिविजुअल विला चाहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे ही शानदार विला का टूर कराने वाले हैं। तो सोसाइटी रहने वाले है, ये 100 फीट रोड पर रहने वाली है और यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो कारगिल पेट्रोल पंप मात्र 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बैठता है। उसके अलावा भाई, सबसे पहले हम अंदर देख लेते हैं, डिटेल आपको बाद में बताते रहेंगे। ये आपका मेन गेट रहने वाला है, आप देख के ही चलें। छोटी सोसाइटी है लेकिन बड़े ही प्रीमियम तरीके से बसाई जा रही है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको भाई आयरन का गेट मिल जाएगा, साइड से ही गार्ड रूम बनाया गया है, यहाँ पर 24/7 सिक्योरिटी मिलेगी आपको। उसके अलावा सोसाइटी में अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको टोरेंट की पावर सप्लाई मिलने वाली है। भाइयों, सोसाइटी आपको ADA अप्रूव्ड मिलेगी, उसके अलावा रेरा रजिस्टर्ड भी है। सोसाइटी में यहाँ पर आपका पार्क रहने वाला है। भाई अंदर चलते हैं, हम आपको विलास दिखा देते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क तेजी से चल रहा है और जो भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है 1 नंबर रखी गई है। घरों का कंस्ट्रक्शन टोटल पिलर्स पे हो रहा है। उसके अलावा भाई, आपकी सोसाइटी सिंगल गेट नहीं रहने वाली, हमने वहाँ से एंट्री की और आपकी सोसाइटी का सेकंड गेट ये रहने वाला है। कहीं से भी आइए जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। चलते हैं, हम अंदर देख लेते हैं। भाइयों, यहाँ से आपकी मेन एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। आपको अंडर कंस्ट्रक्शन घर दिखाने का 2 मकसद हैं। पहला तो ये, आपको भाई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पता चल जाएगी कि किस तरह की है, और दूसरा ये क्योंकि ये एरिया इतना ज़्यादा डिमांडिंग है कि बहुत सारे मकान यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो पता चले कि जब तक सोसाइटी पूरी तरह से बन पाई, मकानों का पूरी तरह से फिनिशिंग का काम कंप्लीट हो पाया, तब तक सब सोल्ड आउट हो गए और आप कहें कि भैया मुझे मकान नहीं मिल पाया। इसलिए आप देखते जाइए और यहाँ पर परचेस करने के लिए जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करके चलिए। आप जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं, ये आपका पोर्च एरिया रहने वाला है और उसके अलावा इधर आपको ये गैलरी एरिया मिल जाता है। इसको आप चाहे तो एज अ वॉशिंग एरिया यूज़ कीजिए, नहीं तो आप अपने 2-व्हीलर मज़े से खड़े कर सकते हैं। आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया की एंट्री यहाँ से हो जाती है एक, और सेकेंड एंट्री आपको वहाँ से मिल जाती है। आइए मेरे साथ अंदर। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में एंट्री करते ही काफ़ी ओपन एहसास होने वाला है, काफ़ी बड़े साइज का दिया गया है। उसके अलावा आप देखकर ही चल रहे होंगे कि बाहर आपको इतने बड़े साइज की विंडो मिलती है, बहुत लग्जीरियस बनाया जा रहा है इस हाउस को। उसके अलावा जब हम अपने ड्राइंग एरिया से डाइनिंग एरिया की ओर आते हैं, यहाँ पर आपको भैया मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है। और थोड़ा सा आप अंदर आते हैं, ये आपकी स्टेयर्स हो गई, स्टेयर्स के सामने मिल जाता है आपको कॉमन वॉशरूम देखने के लिए। नीचे देख लेते हैं हम, एक रूम नीचे आपको ये मिल जाता है, काफ़ी बड़े साइज का रूम दिया गया है। और सेकंड रूम आपको इस तरफ मिल जाता है, इस रूम में आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। उसके अलावा इस रूम में अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ ओपन एरिया रहने वाला है। चलते हैं हम ऊपर की तरफ, आपको और रूम्स दिखा देते हैं। आप अपनी स्टेयर्स से जैसे ही ऊपर की तरफ आएंगे, आपको एक कॉमन वॉशरूम इधर देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा छत पर आपको एक सेपरेट रूम यहाँ पे मिल रहा है, और सेकंड रूम जो आपका बाहर की तरफ रहने वाला है वो ये रहने वाला है। पूरे ही घर में आपको फॉल सीलिंग का वर्क होके मिलेगा, वर्किंग स्टार्ट हो गई है, काम चल रहा है। उसके साथ साथ इस रूम में आपको अटैच वॉशरूम इधर मिल जाता है, और इधर मिलेगा आपको ड्रेसिंग एरिया। बाहर की तरफ आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको छत पर पीछे का एरिया और दिखा देता हूँ। छत पर आपको ये इतना बड़ा ओपन एरिया मिल रहा है, जैसे चाहो मजे से यूज करो। उसके अलावा और पास में आइए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पीछे की तरफ आपको मिल जाता है जोनल पार्क देखने के लिए, मतलब कि आपको हमेशा भरपूर ऑक्सीजन मिलती रहेगी और हरियाली के तो नज़ारे होते ही रहेंगे। हम चलते हैं ऊपर की तरफ, आप बाहर देख के चलिए। जब आप गली में देखेंगे और आपको शानदार विलास नज़र आएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो DPS फ्रांसिस और गायत्री स्कूल यहाँ से मात्र 500 मीटर की डिस्टेंस पर रहने वाले हैं। भाइयों, अगर सोसाइटी में घर के साइजेस की बात की जाए तो यहाँ पर 2 तरह के मकान आपको मिल जाएंगे, 3BHK और 4BHK। 3BHK साइज देखा जाए तो 114 गज से लेकर 130 गज तक के हैं, वो 3BHK हाउस रहने वाले हैं। और अगर 4BHK हाउसेस की बात की जाए तो 130 गज से लेकर 152 गज तक के हाउस 4BHK हाउस हैं। यहाँ पर अभी प्राइस बेहद कम तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है सोसाइटी के हिसाब से।
72,000 रुपये गज के हिसाब से यहाँ पर अभी आप मकान बुक करके चल सकते हैं। ईडी अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, बेहद आसानी से आप लोन ले पाएंगे। लोन की भी बहुत अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सेल्स टीम के कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले पर तो दिख ही रहे होंगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको और ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करा देंगे। भाई अगर आप खरीदने के इच्छुक हैं तो कॉल करने में देर मत कीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीज ज्यादा दिन रुकती नहीं है। हम फिर से मिलते हैं अगले किसी नए प्रॉपर्टी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।